हेलो फ्रेंड्स, फॉस्टिंग इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट पीजी 2021 काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नीट पीजी काउंसलिंग डिले के वजह से जितने भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे और जितनी भी उनकी एसोसिएशंस थी, फोडा, फाइफा, फाइमा एंड आरडीएस ऑफ ऑल स्टेट्स, वो सारी स्ट्राइक पर चली गई थी। क्योंकि नीट पीजी काउंसलिंग डिले हो गई थी इस वजह से। और डिले इसलिए हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई थी और इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, जो कि ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड थे, उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड थे। और उसके अगेंस्ट एक कोर्ट केस फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइनल वर्डिक्ट पे वो केस नहीं आ पाई, जिसके वजह से डिले होते जा रही थी, डेट्स मिलते जा रही थी, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ पा रही थी। तो जितने भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे और उनकी जितनी भी एसोसिएशंस थी, वो स्ट्राइक पे चली गई थी। ओपीडी, ओटीडी एज वेल एज, पहले तो उन्होंने ओपीडी एंड ओटीडी की सर्विसेज विड्रॉ की, फिर उन्होंने सारी रूटीन सर्विसेज विड्रॉ की। उसके बाद फिर 1 वीक ऑफ टाइम उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज रिज्यूम कर ली थी ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। और फिर से उन्होंने प्रेस रिलीज दी थी, अभी पब्लिश की है, 16th of December उनकी लास्ट डेट थी, कि अगर उस डेट से पहले अगर कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया या कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया और नीट पीजी काउंसलिंग फास्ट ट्रैक नहीं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो वो सारी सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 16th of December से सारी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं, रूटीन एज वेल एज इमरजेंसी सर्विसेज। और आज का हमारा ये वीडियो इसी से रिलेटेड रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनकी प्रेस रिलीज है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फोडा की। और इसमें आप साफ देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने लिखा है कि 1 वीक ऑफ टाइम इन्होंने दिया था, लेकिन क्योंकि कोई भी स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ली गई, पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ली गई, और ओवरबर्डन वर्कलोड, ओवरबर्डन के होने की वजह से और रेजिडेंट डॉक्टर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं और गवर्नमेंट उनकी बात सुन नहीं रही है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो 17th of December 2021 से सारी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि वो कंप्लीट स्ट्राइक पे जाएंगे। और जितनी भी उनकी सर्विसेज है ऑल अक्रॉस इंडिया, जितनी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारी इंस्टीट्यूशन से, सारी जगहों से, सारी स्टेट से 17th of December को वो सारी सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे। और वो अर्ज करते हैं कि नेसेसरी मेजर्स लिया जाए ताकि फास्ट ट्रैक हो सके इस केस की, और कोर्ट हियरिंग फास्ट ट्रैक हो सके, और नीट पीजी काउंसलिंग इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो सके, और उसकी जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट हो सके। तो ये क्लियर कट इन्होंने इस प्रेस रिलीज में बता दिया है, यानी कि 17th of December से वो अपनी सारी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, कि इसमें क्लियर कट उन्होंने बता दिया है कि नीट पीजी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसको अगर एक्सपेडाइट नहीं किया गया और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो 17th of December से सारी सर्विसेज विड्रॉ कर लेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया गया है, कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया है इस इशू से रिलेटेड, तो वो सारी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इनकी प्रेस रिलीज है जिसमें इन्होंने क्लियर कट ये बता दिया है। अब दोस्तों, एक और इनकी एक दो प्रेस रिलीज और भी देखते हैं जिनमें इन्होंने क्या बोला था।
ये इनकी प्रीवियस प्रेस रिलीज है फोडा की, जिसमें इन्होंने इसलिए सर्विसेज रिज्यूम की थी क्योंकि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत और उनके कुछ आर्मी पर्सनल्स की एक्सीडेंटल डिमाइस हो गई थी, और इस वजह से साथ ही साथ कोविड 19 की थर्ड वेव की जो इश्यू थी, जो ओमिक्रॉन वायरस की फैलने की और ओमिक्रॉन वायरस की जो स्प्रेड होने की इम्प्लिकेशंस आ रही थी कि वो काफ़ी इंक्रीजिंग वे में स्प्रेड कर सकती है और बहुत फास्टली स्प्रेड कर सकती है, तो ये सारी पैरामीटर्स को देख के उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 1 वीक ऑफ टाइम के लिए, 1 वीक के लिए एटलीस्ट वो या अपनी सारी सारी सर्विसेज रिज्यूम कर देंगे। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया गया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है वो एक प्ली इशू की थी कि दोनों केसेस को डीलिंग की जाए, नीट पीजी काउंसलिंग की केस और रिजर्वेशन पॉलिसी की केस। अब डीलिंग करने का ये मतलब था कि दोनों केसेस को अलग किया जाए, लिंक करना मतलब जोड़ना है और डीलिंग करना मतलब अलग करना है, और दोनों केसेस को अलग किया जाए और नीट पीजी काउंसलिंग की प्रोसेस की जो केस है उसको उसकी हियरिंग इमीडिएटली हो ताकि वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो सके और उसकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट हो सके। इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली इशू की थी, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इस इश्यू को देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि विद इन अ वीक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और हियरिंग हो जाए और इम्प्लीमेंट किया जा सके इस प्रोसेस को और नीट पीजी काउंसलिंग को एक्सपेडाइट किया जा सके इमीडिएटली। तो ये सारी अश्योरेंसेस के बाद ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया की अश्योरेंस के बाद, और ये अश्योरेंस के बाद कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट एक प्ली इशू किया है सुप्रीम कोर्ट में ताकि हियरिंग हो सके और इमीडिएटली एक्सपेडाइट हो सके नीट पीजी काउंसलिंग और डीलिंक हो सके, और भले ही रिजर्वेशन पॉलिसी की केस चलती रहे लेकिन नीट पीजी काउंसलिंग की केस हियरिंग जल्दी हो और एक्सपेडाइट हो। रिजर्वेशन पॉलिसी के केस में अगर डिले भी हो जाए तो वो जब वर्डिक्ट आए तब फिर इम्प्लीमेंट हो। तो ये सारी अश्योरेंसेस के बाद ही फोडा ने सारी सर्विसेज रिज्यूम की थी, लेकिन क्योंकि कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ली गई तो इसकी वजह से उन्होंने 17 दिसंबर को अपनी सारी सर्विसेज विड्रॉ करने के लिए डिसाइड किया है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो फोडा की प्रेस रिलीज है 6 दिसंबर की। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नीट पीजी काउंसलिंग की जो केस है और जो रिजर्वेशन पॉलिसी की केस है उसको डीलिंग किया जाए ताकि नीट पीजी काउंसलिंग की प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जा सके, और इसके लिए उन्होंने एक प्ली भी इश्यू की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि 17 दिसंबर से ये सारी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं, और विड्रॉ करने का सिंपल कारण है, सिंपल रीजन है कि क्योंकि इनके पास ना फ्रेश बैच है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, और क्योंकि ओवरबर्डन हो गए हैं वर्कलोड से, और अराउंड वन एंड ऑलमोस्ट वन मोर देन 1.5 ईयर्स से, 1 ईयर से, 1 ईयर्स कहिए, 1 ईयर्स मोर देन 1 ईयर्स से ये संभाल रहे हैं सारी सर्विसेज, और जो इनकी सीनियर बैचेस हैं वो जा चुकी हैं
और जो जूनियर बैचेस हैं वो अभी तक आई नहीं हैं और वर्कलोड बढ़ते जा रहा है, और ये सारी सिचुएशंस पैरामीटर्स के वजह से ये फोर्स्ड हो गए हैं कि ये अपनी सर्विसेज विड्रॉ करें 17th of December से, 2021 से, सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस इंडिया से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ली गई, पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ली गई, प्ली इश्यू होने के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने प्ली भी इशू की कि एक्सपेडाइट किया जाए, डीलिंग किया जाए दोनों केसेस को, और नीट पीजी काउंसलिंग की प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। रिजर्वेशन पॉलिसी भले ही उस पर हियरिंग लेट से हो, लेकिन जब भी वर्डिक्ट आए बाद में इम्प्लीमेंट किया जाए, और साथ में अश्योरेंस भी दी गई ऑनरेबल हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मांडविया के तरफ से भी, कि नीट पीजी काउंसलिंग के प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी इस इशू पे देख रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के एश्योरेंसेस इन सारी एश्योरेंसेस के वजह बावजूद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, और जिसके वजह से वो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं 17th of December 2021 से, जो कि क्लियर कट इस प्रेस रिलीज में बताया गया है। तो 17th of December 2021 से फोडा एंड बाकी जितने भी RDAs हैं और जितने भी एसोसिएशंस हैं वो अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस स्टेट्स, एंड ड्यू टू नीट पीजी काउंसलिंग डिले। तो ये अपडेट है दोस्तों, अभी तक फिलहाल 24 आवर्स में, और इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स है दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑन टाइम मिलती रहे। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग, गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।